जय श्री श्याम दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी गणेश जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम अभी दाता रामगढ़ रोड के पीछे कुंदरियों की ढाणी में यहाँ पे आए हुए हैं। और जीतू भाई साहब ने हमें कॉल किया और हम मौके पर आ चुके हैं कि एक घर के अंदर में सांप देखा गया है और ये रात से भी है और इसमें ताला लगा के रखा है, तो आप देख सकते हो अभी। और हम मौके पर आ चुके हैं, इसके अंदर अंदर और पूरी रात से ये लोग परेशान है, चारों तरफ से एकदम पूरा बंद करके रखा है। एक से इस ट्रेन निकल गए तो एक दूसरे में ना घुस जाए। और अभी हम मौके पर आ चुके हैं, इस ट्रेन से देखा गया है, तो अभी हम खोलते हैं। काफी सारा सामान भी पड़ा हुआ है इनका, यहाँ पे ड्रेसिंग है ताकि पीछे बीमी है। नीचे ड्रेसिंग के नीचे इधर नीचे है ड्रेसिंग। और दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये बेबी कोबरा है। और ये काफी रात से बैठा हुआ है, अब देखते हैं इसका करते रेस्क्यू। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री श्याम दोस्तों, ये आप देख सकते हो, घबराने की कोई टेंशन नहीं है। ये अपने बचाव के लिए ऐसा करता है। जय श्री श्याम। देखो जहरीले जीव का क्या छोटा और क्या बड़ा। जय श्री श्याम दोस्तों, ये सांप का रेस्क्यू हो चुका है। अब इसको अपने हिसाब से अनुकूल वातावरण में छोड़ा जाएगा और ये भी अपनी जगह पे सुरक्षित हो जाएगा और घर परिवार वाले भी अभी अपनी जगह पे सुरक्षित है। जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जीवों को बचाने के लिए हम जो 24 घंटे कदम उठा के रखे हैं और घर परिवार वालों की एक तरह की सुरक्षा होती है, एक धर्म का कार्य होता है। तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, राधे राधे। ये आप प्रक्रिया देख सकते हो। यही प्रक्रिया सबको सुंदर लगती है। जय श्री श्याम। जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ। रख दे।
काई बोल रहे इन महाराज? हाँ बेबी कोबरा आई है, अब कालदार सांप किया करा ना अपनी भाषा में। हम्म, बस भाई है देखो, ये बहुत ही सुरक्षा का कार्य है, सुरक्षा नहीं कर सकते तो अपना कोई भी तरह का एक हादसा होने का चांस रहता है, सावधानी बहुत ही जरूरी है। जय श्री श्याम दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेजुबान जानवर की जान बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।